अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड आई होप कि आप लोगों को कल के लेक्चर की समझ आई होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो Today is the 13th lecture of Evolution and Principles of Systematics. Today is Tuesday, 12th May 2020. So we were discussing about Darwin theory of natural selection. So Darwin has given different, has made different observations. So total we have studied 5 observations made by Darwin, and on the basis of these 5 observations, Darwin has made some important inferences or conclusions, which he named Darwin theory of natural selection. Another theory that Darwin proposed in his book Origin of New Species was the theory of pangenesis, in which he described that how acquired characters are transferred from parents to offspring. And this theory, he actually supported the Lamarck idea of inheritance of acquired characters. So today we will study the criticism on Darwin theory of natural selection. So हमारे पास जिस तरह Lamarck की थ्योरी पे बहुत से साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था, इसी तरह डार्विन के भी थ्योरी पे बहुत से साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट और वेरी फर्स्ट क्रिटिसिज्म फ्रॉम द साइंटिस्ट ऑन द डार्विन थ्योरी वॉज दैट नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। सो एज वी ऑल नो दैट डार्विन हैज नो प्रूफ टू सपोर्ट हिज थ्योरी। ठीक है, अगर आपको याद हो कि हमने कहा था, पढ़ा था कि हमारे पास वो उसने जो ग्रेट वॉयज था शिप पे गया था, उसके बाद 5 साल बाद जब वो आया तो उसने अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को एक ऐसे की सूरत में लिख, तो वो ऐसे लिखने के बाद वो क्या करना चाहता, वो एविडेंसेस तलाश करना चाह रहा था। लेकिन उसके जो उसके दोस्त ने कहा कि आप इसको पब्लिश कर लो, लेकिन वो एविडेंसेस तलाश करना चाह रहा था। फिर जो उसके साथी था शिप पे वेलेस जो था, उसने भी सेम ऑब्जर्वेशंस पे ऐसे लिखा, तो दोनों का जो पॉइंट था वो सेम था। तो डार्विन ने फिर एविडेंसेस कलेक्ट करना के प्रोसेस को छोड़ दिया और उसने डायरेक्ट अपनी एक बुक पब्लिश की। तो अब उन्होंने पहला क्रिटिसिज्म जो किया, क्योंकि साइंस और साइंस में आपके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना ज़रूरी है, तो जो पहला क्रिटिसिज्म ये था कि डार्विन ने अपनी थ्योरी के सपोर्ट में कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या कोई एविडेंस पेश नहीं किया। लाइक अगर लमार्क था तो लमार्क ने अपनी थ्योरी की सपोर्ट में एग्जांपल्स दी थी, और उन एग्जांपल्स की हमारे पास क्या थी, फॉसिल्स रिकॉर्ड्स, हमें पता चलता था कि हमारे पास जो एंसेस्टर्स थे जिराफ के, वो छोटी उनकी लेग्स थी और नेक वगैरह थी, जब जब जो आहिस्ता आहिस्ता लेग और नेक साइज इंक्रीज हो रहा था, तो ये एक प्रूफ था लमार्क की थ्योरी की सपोर्ट में। लेकिन हमारे पास डार्विन की थ्योरी की सपोर्ट में डार्विन ने कोई एविडेंस या कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है, कॉज ऑफ वेरिएशंस। डार्विन डिडंट एक्सप्लेन हाउ वेरिएशंस केम इनटू बीइंग। तो डार्विन का अगर हम सेकंड इन्फ्लुएंस देखें, तो डार्विन ने कहा कि हमारे पास वेरिएशंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी सेम पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में या सेम स्पीशी के मेंबर्स में भी कोई दो ऐसे मेंबर्स नहीं होते कि जो एग्जैक्टली एक दूसरे से आइडेंटिकल हों या हू बहू एक दूसरे की तरह हों। तो उसने कहा कि हमारे पास पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन में भी हमारे पास वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा उसने कहा था कि हमारे पास दो किस्म के वेरिएशंस होते हैं, एक सक्सेसफुल वेरिएशंस और एक लेस सक्सेसफुल वेरिएशंस। और जो सक्सेसफुल वेरिएशंस है वो हमारे पास नेचर सेलेक्ट करती है और वो फिटेस्ट इंडिविजुअल में होते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल या लेस सक्सेसफुल वेरिएशंस जो है वो हमारे पास अनफिट इंडिविजुअल्स या वीक इंडिविजुअल्स में होते हैं। ये सारा उसने वेरिएशंस की बात तो बहुत की अपनी थ्योरी में, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हमारे पास वेरिएशंस क्यों आती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे पैदा होती हैं। उसने कोई प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं किया और कुछ नहीं एक्सप्लेन किया कि काज ऑफ वेरिएशंस क्या है, कि किस तरह ये वेरिएशंस ह्यूमन बीइंग्स में आती हैं और किस तरह हमारे पास वेरिएशंस, कुछ सक्सेसफुल वेरिएशंस आ जाती हैं किसी इंडिविजुअल्स में, किसी इंडिविजुअल्स में लेस सक्सेसफुल वेरिएशंस आ जाती हैं। तो उसने कोई प्रोसेस या किसी किस्म की इसमें कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की। तो ये सेकंड जो क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई डार्विन ने हमें वेरिएशंस का तो बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि वेरिएशंस कहाँ से आ रही हैं। जो थर्ड क्रिटिसिज्म है, दैट इज अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो डार्विन ने
कहा कि हमारे पास सक्सेसफुल वेरिएशंस, फिटेस्ट इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें सक्सेसफुल वेरिएशंस होती हैं, और जो हमारे पास अनफिट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके में हमारे पास लेस सक्सेसफुल वेरिएशंस होती हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो लेस सक्सेसफुल वेरिएशंस या अनफिट इंडिविजुअल्स हैं वो या तो रिप्रोडक्शन से पहले मर जाते हैं या फिर उनको रिप्रोडक्शन का चांस नहीं मिलता, और हमारे पास सिर्फ फिटेस्ट इंडिविजुअल ही ऐसे होते हैं कि जो अपने जीन्स जो हैं नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो फिटेस्ट इंडिविजुअल्स जो हैं वो फिटेस्ट जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। और हमारे पास हर जनरेशन में जो नेचर है वो फिटेस्ट इंडिविजुअल को सिलेक्ट करती है। ये सारी हमें कहानी डार्विन ने सुनाई थी। क्रिटिसिज्म इस पे क्या हुआ, दैट डार्विन डजंट एक्सप्लेन अबाउट द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो कहें चलो ठीक है, हमारे पास नेचर जो है वो फिटेस्ट को सिलेक्ट करती है, लेकिन ये फिटेस्ट आता कहाँ से है, कैसे प्रोड्यूस होता है, किस तरह सेम पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग हैं, ठीक है दोनों में सेम करेक्टर्स थे मदर और फादर में और सेम उसी के ऑफस्प्रिंग है, किस तरह कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो फिटेस्ट हो गए और किस तरह क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या हो गए, लीस्ट फिट हो गए। तो ये अराइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में भी डार्विन ने कोई अपनी थ्योरी में एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि हमारे पास फिटेस्ट की। उसने बात तो की कि हर हमारे पास जो है हर पॉपुलेशन में या हर जनरेशन में नेचर फिटेस्ट को सिलेक्ट करती है, लेकिन उसने फिटेस्ट के किस तरह आता है, किस तरह प्रोड्यूस होता है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो ये थर्ड क्रिटिसिज्म था जो हमारे पास डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे आया था। फोर्थ जो क्रिटिसिज्म था तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का था। ठीक है, हमारे पास डार्विन ने क्या कहा कि हमारे पास हर पॉपुलेशन में या हर जनरेशन में जो नेचर है वो सिर्फ फिटेस्ट करेक्टर्स या फिटेस्ट ऑर्गन्स या वो ऑर्गेनिज्म के जिनके पास फिटेस्ट ऑर्गन्स हैं उनको सिलेक्ट करती है, बाकी तमाम जो वीक इंडिविजुअल्स हैं उनको पॉपुलेशन से एलिमिनेट कर दिया जाता है। और किस तरह एलिमिनेट किया जाता है कि उनको रिप्रोडक्शन का चांस नहीं दिया जाता ताकि वो अपने जो वीक जीन्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र ना कर सकें। तो एज अ रिज़ल्ट जब वो मरते हैं, लाइक हमारे पास एनवायरनमेंट हार्श हो गया तो वो सारे वीक इंडिविजुअल्स मर जाते हैं, तो हमारे पास वो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब क्रिटिसिज्म क्या हुआ, दैट डार्विन डिडंट एक्सप्लेन अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन हिज थ्योरी एज दीज ऑर्गन्स हैव नो फंक्शन इन पोजेसर देन व्हाई नेचर सेलेक्टेड दीज ऑर्गन्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास डार्विन ने कहा नेचर हमेशा फिटेस्ट इंडिविजुअल या फिटेस्ट करेक्टर को सिलेक्ट करती है, ठीक है, और वो फिटेस्ट करेक्टर कौन सा होता है, वो फिटेस्ट करेक्टर वो करेक्टर होता है जो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में उस इंडिविजुअल को रहने के काबिल बनाए या उस इंडिविजुअल की सर्वाइवल में मदद दे। अब चूंकि वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं उनका पोजेसर जो जिनमें प्रेजेंट होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स कोई काम नहीं है, तो ये क्रिटिसिज्म हुआ कि अगर हम इस सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट के बारे के पॉइंट को अगर हम माने तो हमारे पास नेचर ने इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स को क्यों सिलेक्ट किया है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे पास अभी तक पॉपुलेशन से एलिमिनेट क्यों नहीं हुए जबकि इनका जो पोजेसर है उसमें कोई काम नहीं है। जिस एनिमल में वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स उस एनिमल में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे पास, वो ऑर्गन्स जो हमारे पास बॉडी में तो प्रेजेंट है लेकिन वो इतने ज़्यादा लेस डिवेलप्ड होते हैं कि हम उनको यूज़ नहीं करते। लाइक हमारे पास टेल बोन जो है ह्यूमन बींग की, तो उसका प्राइम फंक्शन क्या है कि उसके साथ टेल अटैच हो। अब ह्यूमन बींग में टेल चूंकि नहीं है तो टेल बोन वेस्टिजियल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स इज सिमिलर टू द सीकम या वो हमारे पास जो दूसरे मेमर्स हैं हर्बीवोर्स जिनको हम रूडिमेंट्स भी कहते हैं, रूडिमेंट्स, ठीक है, जो हमारे पास दूसरे मेमर्स हैं लाइक गाय भैंस हैं तो उनमें तो उसका फंक्शन होता है लेकिन अपेंडिक्स जो है हमारे पास रिड्यूस्ड है ह्यूमन बीइंग्स में और इसका इतना कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो ये क्रिटिसिज्म हुआ कि हमारे पास डार्विन की थ्योरी पे कि हमारे पास अगर नेचर हर पॉपुलेशन में फिटेस्ट करेक्टर्स या फिटेस्ट ऑर्गन्स या फिटेस्ट इंडिविजुअल को सिलेक्ट करती है तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स को नेचर ने क्यों सिलेक्ट किया हुआ है, वो अभी तक प्रेजेंट क्यों है, क्यों वेस्टिजियल ऑर्गन्स को नेचर ने पॉपुलेशन से एलिमिनेट क्यों नहीं किया, बिकॉज उसका जो है उसके पोजेसर में कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से क्रिटिसिज्म हुए, सबसे पहला ये हुआ कि हमारे पास डार्विन के पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। दूसरा ये था कि हमारे पास उसने वेरिएशंस की बात तो की लेकिन ये नहीं बताया कि ये वेरिएशंस आ कहाँ से रहे हैं। तीसरा पॉइंट कि उसने
फिटेस्ट इंडिविजुअल की तो बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि फिटेस्ट इंडिविजुअल कहाँ से आ रहा है, किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। और चौथा ये कि डार्विन कहता है कि हमारे पास नेचर फिटेस्ट करेक्टर को सिलेक्ट करती है, और फिटेस्ट वो फिटेस्ट करेक्टर कौन सा होता है कि जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में मदद दे, लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन का तो उस पोजेसर में कोई फंक्शन नहीं है, तो नेचर ने क्यों इसको सिलेक्ट किया हुआ है और इसको अभी तक पॉपुलेशन से एलिमिनेट क्यों नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जो फिफ्थ है हेरिटेबल वेरिएशंस। अच्छा, डार्विन ने कहा था हमारे पास कि हमारे पास जो वेरिएशंस हैं वो क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और उस वो असल में क्या था कि वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स को सपोर्ट करता था, लमार की थ्योरी को सपोर्ट करता था। तो असल में उसका क्या मानना था कि हमारे पास जो वो वेरिएशंस जो हमारे पास पेरेंट्स अपने लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर्ड करते हैं वो हमारे पास ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो पॉइंट था हेरिटेबल वेरिएशंस का, उस पर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि डार्विन एक्सप्लेन्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स या एक्वायर्ड वेरिएशंस, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जेनेटिक्स ओनली दोज वेरिएशंस आर हेरिटेबल दैट आर प्रेजेंट इन जर्म सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास चूंकि डार्विन ने 19 सेंचुरी में अपनी थ्योरी पेश की थी, तो उसके बाद हमारे पास मॉडर्न जेनेटिक्स का एरा स्टार्ट हो गया था। तो मॉडर्न जेनेटिक्स से हमारे पास बहुत से पॉइंट्स ऐसे थे जो पहले छुपे हुए थे और वो डिस्कवर हुए पॉइंट्स, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो जब हमारे पास जर्म सेल्स का पता चला और हमारे पास के जर्म सेल्स के थ्रू या हमारे पास जो इनहेरिटेंस होते हैं या हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, तो जब ये हमें पता चल गया तो साइंटिस्ट ने फिर डार्विन के इस पॉइंट को भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि डार्विन कह रहा था कि हमारे पास वो वेरिएशंस जो पेरेंट्स अपनी लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर्ड करते हैं वो वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये हमारे पास इस पॉइंट को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था डार्विन के, कि हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमारे पास जो एक्वायर्ड वेरिएशंस हैं वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि सिर्फ वो वेरिएशंस हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं कि जो जर्म सेल्स में प्रेजेंट हैं। अच्छा, तो जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास जो क्रिटिसिज्म हुआ है ये है ओवर स्पेशलाइजेशन। सो व्हाट इज ओवर स्पेशलाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड बियॉन्ड लिमिट्स एंड इट बिकम हार्मफुल फॉर पोजेसर एंड लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ दैट स्पीशीज। ओवर स्पेशलाइजेशन हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड बियॉन्ड लिमिट्स एंड इट बिकम हार्मफुल फॉर पोजेसर एंड लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ दैट स्पीशी। कि हमारे पास कोई भी ऑर्गन वो इतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाए कि वो उस ऑर्गेनिज्म के जिसमें वो ऑर्गन प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल बन जाए और उसकी एक्सटिंक्शन का सबब बन जाए। ठीक है, सो डार्विन डिडंट एक्सप्लेन व्हाई नेचर सिलेक्टेड सच ऑर्गन्स। ठीक है, हमारे पास आपको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के दौरान बहुत से ऐसे करेक्टर्स मिलेंगे या बहुत से ऐसे स्पीशीज मिलेंगी कि जिसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन इतना ज़्यादा वेल डिवेलप्ड हो जाता है कि वो ओवर डिवेलप्ड होते होते इतना ज़्यादा ओवर डिवेलप्ड और वेल डिवेलप्ड हो जाता है कि वो उस पोजेसर के लिए जो है नुकसानदेह हो जाता है, और उसी की वजह से वो जो पोजेसर है कि जिसमें वो ऑर्गन प्रेजेंट है उस पोजेसर की एक्सटिंक्शन हो गई है। एक्सटिंक्शन मीन्स सारे की सारी स्पीशी दुनिया से ख़त्म हो जाना। ओवर स्पेशलाइजेशन के हमारे पास एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, आयरिश एल्क। सो आयरिश एल्क एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर स्पेशलाइज्ड एंड ओवर मॉडिफाइड एंटलर्स। एंटलर्स कहते हैं जो उसकी सींग होती हैं। तो हमारे पास आयरिश एल्क जो है वो हमारे पास किस वजह से एक्सटिंक्ट हो गया कि उसके जो एंटलर्स थे वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पेशलाइज या ओवर मॉडिफाइड हो गए थे। लाइक अगर मैं आपको उसके एंटलर्स दिखाऊँ तो ये देखें हमारे पास ये आयरिश एल्क है, तो अगर आप इसके एंटलर्स देखें तो ये बहुत ज़्यादा ओवर मॉडिफाइड हो गई या ओवर डिवेलप्ड हो गई, तो तब रह रहा है कि हमारे पास जब वो उसकी स्पीशीज सर्वाइव कर रही थी। ठीक है, अगर एक और ये हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड में इसके मिले तो आप देखें हेड साइज देखें कि कितना छोटा है, और ऊपर आप एंटलर्स देखें तो उसका उसकी जो हमारे पास लेंथ है कि इतने लंबे लंबे, और उसका आप अगर वजन देखें तो वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हेड। तो हमारे पास ये एंटलर्स आयरिश एल्क के इतने ज़्यादा ओवर डिवेलप्ड हो गए कि इसकी वजह से ये जो आयरिश एल्क के लिए ही नुकसानदेह साबित होने लगे, और इसी की वजह से हमारे पास आयरिश एल्क की एक्सटिंक्शन हो गई। लाइक ये अगर आप देखें ये हमारे पास एक उसका
पूरा फॉसिल रिकॉर्ड पड़ा है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये एंटलर्स कितने ज्यादा ओवर डिवेलप्ड हैं। तो इस ओवर डिवेलप्ड एंटलर्स किस तरह एंटलर्स जो हैं किस तरह हार्मफुल हो गए उस पोजेसर के लिए। अब हमारे पास आयरिश एल्क, ये क्योंकि हमारे पास हर्बीवोर्स था, ठीक है, तो हर्बीवोर्स था, अब इसके जहरी बात है कोई ना कोई प्रीडेटर्स होंगे। तो जब इसके एंटलर्स लेस डिवेलप्ड थे तो चूंकि इसके सर पे वजन कम होता था तो ये बहुत तेज भागता था, ठीक है, और प्रीडेटर से भाग जाता था। अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इनके एंटलर्स बहुत से बहुत ज्यादा ओवर डिवेलप्ड होने लग गए। तो अब जब ओवर डिवेलप्ड हो गए तो चूंकि इसका वजन भी ज्यादा था, अब वजन ज्यादा होने की वजह से इनकी जो भागने की स्पीड है उसमें कमी आई। एज अ रिजल्ट प्रीडेटर्स ने इन पे फीड करना स्टार्ट किया, बिल्कुल ये जो भाग नहीं सकते थे, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि सारे के सारे प्रीडेटर्स का शिकार हो गए। इसके अलावा भागते भागते झाड़ियों में फंस जाते थे और कहाँ कहाँ फंस जाते थे। इसके अलावा जब इनका आपस में कंपटीशन होता था तो हमारे पास ये इतने इनके स्ट्रॉन्ग एंटलर्स थे कि हमारे पास ये एक दूसरे को फाइटिंग के दौरान किल भी कर देते थे। तो उस तरह भी इनकी पॉपुलेशन कम हुई। तो इसी तरह हमारे पास इन्हीं ओवर डिवेलप्ड या ओवर स्पेशलाइज्ड एंटलर्स की वजह से हमारे पास आयरिश एल्क की एक्सटिंक्शन हो गई और अब हमारे पास दुनिया में एक मेंबर भी आयरिश एल्क या एक इंडिविजुअल भी आयरिश एल्क का प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस पे क्रिटिसिज्म ये हुआ कि हमारे पास डार्विन तो कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास वही करेक्टर नेचर सेलेक्ट करती है कि जिसका उस पोजेसर का फायदा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई करेक्टर है और नेचर उसी करेक्टर को हमेशा सेलेक्ट करेगी कि जो उस ऑर्गेनिज्म में हो और उस ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा दे, उस पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के काबिल बनाए, उसके सर्वाइवल में उसकी मदद करे और उसको फ़ायदा दे। तो हमारे पास ये जो एंटलर्स ओवर डिवेलप्ड हो गया, अब इन एंटलर्स जो है हमारे पास उस पोजेसर के लिए नुकसानदेह हैं। तो हमारे पास उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि नेचर ने ऐसे ऑर्गन को क्यों सेलेक्ट किया और उसको क्यों इतना ज़्यादा ओवर स्पेशलाइज किया कि जो उस पोजेसर के लिए ही हार्मफुल हो गया और उसकी एक्सटिंक्शन का बायस बने। तो अगर हर जनरेशन में हमारे पास वो फिटेस्ट ही सेलेक्ट करती नेचर, तो हमारे पास फिर ये ओवर स्पेशलाइज एंटलर्स ना बनते। लाइक अगर हमारे पास देखिए अगर वेरिएशन अराइज होती तो किस तरह, लाइक मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वेरिएशंस आई, अब कुछ आयरिश एल्क के एंटलर्स वेल डिवेलप्ड हो गए, कुछ के कम है। अब वो जो वेल डिवेलप्ड वाले हैं उनका एंटलर्स का साइज भारी है, जिनमें नहीं है, जिनमें एंटलर्स लेस डिवेलप्ड हैं वो साइज कम है। तो अब ये जो लेस डिवेलप्ड एंटलर्स हैं ये हमारे पास सक्सेसफुल वेरिएशन है, सक्सेसफुल करेक्टर है, और वो जो दूसरे हैं वो लेस सक्सेसफुल। तो जब प्रीडेटर आएगा तो प्रीडेटर किस को फीड करेगा, जो ओवर स्पेशलाइज्ड एंटलर्स हैं, और दूसरे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे डार्विन के हिसाब से। तो हमारे पास वो ओवर स्पेशलाइज्ड एंटलर्स वाले तो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो गए, तो वो करेक्टर चला गया और हमारे पास लेस स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन में रह गए। तो इसी तरह यही हमारे पास डार्विन ने इसी को हमें नेचुरल सिलेक्शन कहा है। तो इस केस में हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन ने इस प्रोसेस में क्यों एक्ट नहीं किया कि लाइक हमारे पास नेचर ने क्यों इन्हीं ओवर स्पेशलाइज्ड एंटलर्स वाले इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया और फाइनली क्या हुआ कि हमारे पास ये उन्हीं की एक्सटिंक्शन की वजह बन गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिटिसिज्म था जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे क्रिटिसिज्म हुआ था डार्विन की। वापिस एक बार पढ़ लेते हैं, पहला पहला क्या था कि हमारे पास डार्विन, उन्होंने कहा कि डार्विन ने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। दूसरा ये था कि डार्विन ने वेरिएशंस की बात की है लेकिन ये नहीं बताया कि ये वेरिएशंस प्रोड्यूस कैसे होती हैं, किस तरह पॉपुलेशन में आती हैं। डार्विन ने अराइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की कि फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है और वो सिलेक्ट कर लेती है नेचर, हर पॉपुलेशन में फिटेस्ट इंडिविजुअल सिलेक्ट होता है। तो लेकिन डार्विन ने ये नहीं बताया कि ये फिटेस्ट इंडिविजुअल कहाँ से आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे क्रिटिसिज्म हुआ कि इन ऑर्गन्स का इंडिविजुअल में कोई काम नहीं है, तो नेचर ने इन ऑर्गन्स को क्यों सिलेक्ट किया और वाई नेचर हैव सेलेक्टेड दीज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और फिर हेरिटेबल वेरिएशंस है, उन्होंने कहा कि हमारे पास डार्विन कह रहा था कि जो वेरिएशंस एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म या पेरेंट्स अपनी लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन हमारे पास मॉडर्न जेनेटिक्स क्या कह रही है कि हमारे पास ये वही वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं कि जो जर्म सेल्स में प्रेजेंट हो। तो ये पॉइंट भी क्रिटिसिज्म का निशान बना। ओवर स्पेशलाइजेशन जो हमारे पास, इट इज़ अ प्रोसेस कि हमारे पास ऐसा ऑर्गन जो इतना ज़्यादा ओवर स्पेशलाइज हो जाए कि वो अपने पोजेसर के लिए नुकसानदेह हो जाए और उसकी एक्सटिंक्शन का सबब बन जाए, इसको हमने ओवर स्पेशलाइजेशन कहा। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास डार्विन ने तो कहा है कि नेचर हर वक्त फिटेस्ट करेक्टर सेलेक्ट करती है। अब ये तो करेक्टर फिटेस्ट नहीं है बिकॉज ये तो उसकी लिए हार्मफुल है, उसकी एक्सटिंक्शन का सबब बना है। तो नेचर ने क्यों इस ऑर्गन को सिलेक्ट किया है, तो इस पे भी क्रिटिसिज्म किया गया है। सो ये
नेचुरल सिलेक्शन, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उस पर क्रिटिसिज्म खत्म हुआ है। आज तक इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। आई होप आप लोग को समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।